नयन आईएएस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम देखते हैं नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो एग्जाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार ने 25 अगस्त 2021 को गन्ने चीनी मिलों को बेचने का क्या मूल्य निर्धारित किया है? 290 रुपया प्रति क्विंटल। भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों के डाटाबेस तैयार करने के लिए 26 अगस्त 2021 को कौन सा पोर्टल जारी किया है? ई श्रम पोर्टल, बड़ी इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। 23 अगस्त 2021 को निजीकरण को विस्तार देने के लिए किस 6 लाख करोड़ की नीति का आवरण किया है? नेशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने अपने बीमा एजेंट के लिए कौन सा नया मोबाइल ऐप अगस्त 2021 में लॉन्च किया है? आनंदा। इस तरह के क्वेश्चन बराबर पूछते रहते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के कारण विधवा हुई महिलाओं के कल्याण एवं सहायता के लिए किस योजना का प्रारंभ अगस्त 2021 में किया? मिशन वात्सल्य। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नए प्रारंभिक सॉफ्टवेयर उद्योग की सहायता प्रदान करने हेतु किस योजना का प्रारंभ अगस्त 2021 में किया? समृद्धि योजना का। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की वार्षिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपैक्ट समिट 20 से 23 सितंबर को कहाँ आयोजित किया गया? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। भारत का कजाकिस्तान का संयुक्त 5वां प्रशिक्षण संयुक्त सैन्य अभ्यास 30 सितंबर 2021 को कजाकिस्तान में किस नाम से संपन्न हुआ? काजिंद 21। किस देश ने पहली बार जीवाश्म ईंधन की जगह हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर स्टील का निर्माण करने की घोषणा की? स्वीडन। इब्सा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की वर्चुअल मीटिंग 25 अगस्त 2021 को किस राष्ट्र की अध्यक्षता में संपन्न हुआ? भारत। भारत जापान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना का संयुक्त अभ्यास को क्या बोलते हैं? मालाबार 21। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की बैठकों की अध्यक्षता अगस्त 2021 में किस राष्ट्र ने की? भारत ने। भारत द्वारा अफगानिस्तान पर तालिबान के 15 अगस्त 2021 को नियंत्रण के बाद वहाँ से भारत आने के इच्छुक भारतीयों एवं अन्य को वायुयान द्वारा लाने के अभियान को क्या नाम दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑपरेशन देवी शक्ति, क्योंकि करंट में ये घटना घटी है। 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल 24 अगस्त से 5 सितंबर तक कहाँ संपन्न हुआ? टोक्यो जापान में, जहाँ की ओलंपिक भी हुआ था। अगस्त 2021 में जारी कुसमेन एंड बेकफील्ड 2021 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स द्वारा भारत अब इसमें कौन सा स्थान है? दूसरा है। राष्ट्रपति श्री कोविंद रामनाथ कोविंद द्वारा उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 28 अगस्त 2021 को कहाँ किया? पहले आयुष विश्वविद्यालय भारत में कहाँ है? यूपी में कहाँ है? गोरखपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेश निर्मित किस तट रक्षक पेट्रोलिंग शिप को भारतीय नौसेना में 28 अगस्त 2021 को चेन्नई में सम्मिलित किया? विग्रह। क्या नाम है? विग्रह। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्टेडियम का नाम टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर 27 अगस्त 2021 को रखा? आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे कैंट। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में किस भारतीय महिला ने टेबल टेनिस में पहला पदक, रजत पदक? भावना पाटिल ने। भारत की किस महिला खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक निशानेबाजी में? अवनी लेखरा। अगस्त सितंबर 2021 में किस तूफान ने कैरिबियन समुद्र से प्रारंभ होकर अमेरिका के अनेक प्रांतों एवं शहरों में विनाश किया? हरिकेन ईडा। भारत के खेल मंत्रालय द्वारा खेल दिवस 29 अगस्त 2021 को फिट इंडिया मूवमेंट के 2 वर्ष पूरे होने पर कौन सा नया मोबाइल ऐप जारी किया गया है? फिट इंडिया मोबाइल ऐप। नारियल के लाभों की जानकारी के उद्देश्य से विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को। राज्यसभा का नया महासचिव 1 सितंबर 2021 को किसे नियुक्त किया गया है? पूछ सकते हैं, डॉक्टर PPK रामाचार्युलू।
भारत के केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CTBT के नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? JB मोहापात्रा। भारत सरकार द्वारा आगामी रबी फसलों के लिए सितंबर 2021 में जारी न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं एवं सरसों के लिए क्या है? 40 रुपया गेहूं और सरसों 400 रुपया। संसद के अध्यक्षों का 5वां विश्व सम्मेलन 7 से 8 सितंबर 2021 को कहां संपन्न हुआ? वियना ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रिया में। अफगानिस्तान में किस आतंकवादी संगठन ने सितंबर 2021 में सरकार बनाई? तालिबान ने। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में सर्वाधिक 96 स्वर्ण 60 रजत और 51 कांस्य कुल 207 पदक जीतकर पदक तालिका में प्रथम कौन रहा? चीन। कौन था? चीन। ICC T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन अक्टूबर नवंबर 2021 में कहां प्रस्तावित है? ओमान और यूनाइटेड अरब अमीरात। दोस्तों थोड़ा डिटेल में इस करंट अफेयर को थोड़ा देख लेते हैं, फिर जो है अक्टूबर का हम लोग देखेंगे। डिटेल में थोड़ा देखते हैं करंट अफेयर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। CTBT के नया अध्यक्ष JB महापात्रा को नियुक्त किया गया है। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गांबा के 1 वर्ष का कार्यकाल को बढ़ाया गया है। शांति लाल जैन इंडियन बैंक के नए प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। पंकज कुमार सिंह सीमा सुरक्षा बल के नया महानिदेशक पर उनकी नियुक्ति हुई है। ITBP के नए संजय अरोड़ा को नियुक्त किया गया है। रामाचार्यलु राज्यसभा के नए महासचिव बनाए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंजाब मणिपुर तमिलनाडु और उत्तराखंड में नए राज्यपाल का नियुक्ति किया गया है, इसको आपको देखना है। इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कई बार पूछता है। इकबाल सिंह लालपुरा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के संस्कृत संस्थान के पुरस्कार भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। कल्याण सिंह का निधन हो गया है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। मदर टेरेसा पुण्यतिथि 5 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। हिमालय दिवस 9 सितंबर। आत्महत्या निषेध दिवस 10 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में की तरफ बढ़ते हैं। ऑल इन आत्मकथा किसकी है? बिली जीन किंग की। द राइजिंग एंड फॉल ऑफ ओसामा बिन लादेन पीटर एल वर्गेन। ब्लाइंड टाइगर सांद्रा ब्राउन। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट 7 ईयर्स। भारत अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त अभ्यास को केस मालाबार 21 के नाम से जाना जाता है। 2021 के दौरान MiG-21 विमान की 4थी दुर्घटना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं, जो कि एग्जाम की पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, उसको टच करेंगे। काजिन भारत कजाकिस्तान की अभ्यास को क्या बोलते हैं? काजिन। शंघाई सहयोग संगठन के संयुक्त सैन्य अभ्यास में भारत की भागीदारी। ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है? अभी इसमें अफगानिस्तान में निर्वाचित सरकार के पतन के बाद तालिबान सत्ता कब जाने पर वहां से लोगों को बुलाया गया है, उसे बोला गया है। रूस में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जपर 2021 में भारत की भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सार्वजनिक संपत्तियों के लिए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन देख लीजिएगा इसको। और आर्थिक विकास संस्थान दिल्ली में डिजिटल पॉपुलेशन ब्लॉक की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ने का MRP मूल्य हमने बता ही दिया है। निर्यात सभी राज्यों में मोटर वाहन पंजीकरण वन नेशन वन नंबर योजना की शुरुआत रखी गई है। बुजुर्गों के जीवन के बेहतर गुणवत्ता के मामले में राजस्थान हिमाचल प्रदेश मिजोरम और चंडीगढ़ अपने अपनी श्रेणियों में अग्रणी। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार
जमीन से आकाश मार करने वाली MR-7 मिसाइल वायुसेना में शामिल किया गया है। भारतीय वायुसेना को नई शक्ति प्रदान करने की दिशा में एम एक और कदम उठाते हुए जमीन से आकाश में मार करने वाली स्वदेशी विकसित MR-7 प्रणाली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उपस्थिति में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने प्रमुख वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया को 9 सितंबर 2000 को सौंपी गई। राजस्थान के जैसलमेर में वायुसेना के 2204 स्क्वाड्रन में इसे शामिल किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतिम सरकार की घोषणा की गई है। तालिबान के साथ भारत की पहली औपचारिक वार्ता कतर में संपन्न हुआ है। विश्व का 13वां शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में वर्चुअल तरीके से किसकी मेजबानी में हुआ? भारत की मेजबानी में ऑनलाइन हुआ है, वर्चुअल तरीके से हुआ है। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इस्माइल साबरी याकूब मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोरक्को में अजीज अखनूर नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भाविना पाटेल टोक्यो पैरालंपिक में भारत के पहला रजत पदक जीता। भाविना पटेल ने विश्व जूनियर चैंपियनशिप भारत का पदक तालिका में 21वां संयुक्त स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने जो है 5 स्वर्ण 8 रजत व 6 कांस्य सहित 19 पदक जीता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस तरह से पूछता है कि इसमें कितना कैसे जीता है, ये बारे में पूछेगा। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत का कौन सा स्थान है? 24वां है। पहला स्थान किसका है? चाइना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिकी ओपन टेनिस का युगल खिताब, पुरुष का युगल खिताब अमेरिका के राजीव राम और ब्रिटेन के जो सिल्वरी की जोड़ी ने ब्रिटेन के सेमी और फाइनल में हराकर अपने नाम किया। अमेरिकी ओपन महिला टेनिस का खिताब जो है चीन की झांग सुआई की जोड़ी अमेरिकी ओपन टेनिस में कोको गॉफ और कैंटी मेनेक्सी की अमेरिकी जोड़ी को फाइनल में हराकर महिला युगल का खिताब जीत लिया। महिला ओपन टेनिस 2021 पुरुष का डेनियल मेदवेदेव रूस के जीते। महिला में एम्मा रादुकानु ब्रिटेन की। पुरुष युगल में राजीव राम अमेरिका व जो सेलिब्री ब्रिटेन ने। महिला युगल में सामान्था एस्ट्रोसून। इस तरह से आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है याद करना है, क्योंकि एग्जाम में अमेरिकी ओपन से क्वेश्चन आएंगे और पैरालंपिक खेल से आएंगे, जो आयुष वाला है, इस तरीके से जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है उनको आप लोगों को छांटना है। अब देखेंगे हम जो है अक्टूबर का करंट अफेयर। हम देख रहे हैं अक्टूबर 2021 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष गुणों वाली फसलों के कितने किस्में 28 सितंबर 2021 को राष्ट्र को समर्पित की? 35 किस्में। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल सर्बानंद सोनोवाल और डॉक्टर एल मुरुगन क्रमशः किस प्रदेश में प्रदेश से राज्यसभा के लिए 27 सितंबर 2000 को निर्वाचित हुई? असम व मध्य प्रदेश से। मोदी द्वारा लॉन्च किस मिशन के तहत देशवासियों को एक डिजिटल हेल्थ ID मिलेगी और हर नागरिक का स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रह सकेगा? बड़ी इंपॉर्टेंट है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत।
सितंबर 2021 में जर्मनी के साथ आम चुनाव में एंजेला मर्केल की कंजर्वेटिव पार्टी से मामूली अंतर से प्रभावित हो गई सोशल डेमोक्रेट्स। 24 अगस्त से 5 सितंबर को आए टोक्यो पैरालंपिक में कुल कितना पदक? 19 पदक, 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य के साथ 24वें स्थान पर भारत था और 14वां पैरालंपिक खेल था ये। टाइम मैगजीन द्वारा 15 सितंबर 2021 को जारी 2021 के 100 प्रभावशाली व्यक्ति की सूची में भारत के किन दो व्यक्ति को शामिल किया गया है? नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आदार पूनावाला। NSB द्वारा प्रकाशित भारत में अपराध के 2020 के रिपोर्ट के अनुसार हत्या के मामले में राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है हत्या के मामले में। 14वें पैरालंपिक खेल में चीन जो है सबसे प्रथम स्थान पे है। वायुसेना का नया प्रमुख किसे है? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को नियुक्त किया गया है। पूर्व IPS अधिकारी को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष सितंबर 2021 में नियुक्त किया गया है इकबाल सिंह लालपुरा को। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस प्रतिवर्ष 23 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2021 के लिए इसकी थीम क्या थी? वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किसकी अध्यक्षता में 9 सितंबर 2021 को आयोजित किया गया? भारत की। हेलिना किस प्रकार की मिसाइल है? इसके ट्रायल परीक्षण DRDO द्वारा एंटीटेक गाइडेड मिसाइल है हेलिना। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने किस त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन के लिए समझौता किया है? ऑक्स। पंजाब के नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 सितंबर 2021 को NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 की ओवरऑल श्रेणी में किस श्रेणी में भारत शीर्ष स्थान पर है? IIT मद्रास। हैदराबाद स्थित किस संस्थान को उप सहारा अफ्रीका में खाद्य सुरक्षा में सुधार करने वाले कार्य के लिए अफ्रीकी खाद्य सुरक्षा पुरस्कार 2021 से 8 सितंबर 2021 को सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय अर्शुष्क कटिबंध फसल अनुसंधान संस्थान। भारत और नेपाल की सेनाओं के किस सैनिक 15वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ? सूर्य किरण। भारत और नेपाल को संयुक्त अभ्यास को क्या बोलते हैं? सूर्य किरण के नाम से जाने जाते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के अध्ययन के अनुसार भारत किस वर्ष तक औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा? 2022 तक। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने वाला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे किन 6 राज्यों से गुजरेगा? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर के गुजरेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विश्व बौद्धिक संगठन द्वारा 20 सितंबर 2021 को जारी GII 2021 में किस देश ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? स्विट्जरलैंड ने। आइसलैंड में स्थापित विश्व के सबसे बड़े कार्बन अवशोषक संयंत्र को क्या नाम दिया गया है? ओरका। किस राज्य ने हिम तेंदुआ को राजकीय पशु ब्लैक नेक्ड क्रेन को राजकीय पक्षी 1 सितंबर 2021 को घोषित किया है? लद्दाख ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 सूचकांक का वैश्विक नवाचार जारी करने वाली संस्था कौन सा है? वैश्विक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 20 सितंबर 2021 को जारी किया है। शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड का है। आइसलैंड बना महिलाओं की संसद चुनने वाला पहला देश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन के आमंत्रण पर अमेरिका की यात्रा पर है 22 से 25 सितंबर को। इस प्रधानमंत्री ने क्वाड शिखर सम्मेलन भाग लेने के साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपना। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो तीसरी बार क्या है कनाडा के प्रधानमंत्री
बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराएंगे। यूनिसेफ ने बच्चों की पोषण स्थिति पर अपनी रिपोर्ट जारी की, जारी कौन करता है? यूनिसेफ। 23 सितंबर 2021 को शीर्षक क्या था? फेयर टू फॉल द क्राइसिस ऑफ चिल्ड्रेन राइट्स इन अर्ली लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। UNGA में संबोधन, प्रधानमंत्री अपनी इस अमेरिका यात्रा पर समापन संयुक्त राष्ट्र महासभा में 25 सितंबर 2021 को अपना एक संभाषण दिया। इस कौन सा संभाषण था? 76वें सत्र का संबोधन उन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम का ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट GSER 2021 जारी करने की तिथि 22 सितंबर को है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के मध्य क्या सुरक्षा समझौता हुआ है? त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन ऑकस के लिए एक समझौता किया गया। ऑकस नाम इसका दिया गया। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कार्बी आंगलोंग, असम राज्य की क्षेत्रीय अखंडता को सुनिश्चित करने वाले दशकों पुराने संकट को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार, असम सरकार और असम के 5 विद्रोही समूहों के मध्य एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौते कार्बी आंगलोंग समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। असम सरकार के सीमा को सुरक्षित के लिए यह समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। दोस्तों, हमने अब तक जो है नवंबर और अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को चुना है। अभी अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन लेते हैं। आकाश मिसाइल प्राइम, DRDO ने भारत के शक्तिशाली और तीव्र गति से हमला करने वाले आकाश मिसाइल के नए संस्करण आकाश प्राइम का उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से 27 सितंबर को सफल परीक्षण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हेंसर क्रेटर इकोनॉमिक इंट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हेंसर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। MRSAM प्रणाली भारतीय वायुसेना के सुपुर्द, भारत की रक्षा क्षमताओं को एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय वायुसेना को मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली की पहली सुपुर्दगी योग्य फायरिंग यूनिट जैसलमेर वायुसेना स्टेशन में 9 सितंबर 2021 को सौंपी गया। दोस्तों, अभी तक हमने महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कराया है और जो एग्जाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को लाभ मिल सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।